सबसे बड़ा कारण बीमारियों का, मैं दो प्रकार की डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एक फिजिकल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। एक तो दो तीन मिनट तो डॉक्टर साहब ये केमिकल एनिमल बेस्ड, अच्छा देखो दवाइयां तो जहरीली खाते हैं सो खाते ही, ऊपर से सिंथेटिक विटामिन्स खाते हैं, नाम ही कितना खतरनाक है, सिंथेटिक माने कृत्रिम माने नकली माने जहरीला, इतना नाम में सब कुछ पता है फिर भी खाए जा रहे हैं सिंथेटिक विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, पता नहीं क्या क्या, या केमिकल बेस्ड एनिमल बेस्ड। अब किस्सा मतलब सुन करके भी कि सुअर की चमड़ी को घोट करके उसमें से, और मोटी मोटी चमड़ी होती है मछली की, उसमें से तेल निकाल करके उसको तल करके जो भी करते हैं कुछ पेल करके और उसमें से तेल निकालते हैं, फिर कहते हैं ओमेगा, और वो खाते रहते हैं लोग, और उसमें सड़ांद इतनी आती है, ये जो सिंथेटिक विटामिन्स खाते हैं ना तो पसीने में भी बदबू आती है, मलमूत्र में से भी बदबू आती है, फिर भी खाते रहते हैं बावड़े कहीं के। तो हमने ये विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारे प्रोटीन पाउडर्स, और अब तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी तैयार कर दिए। एक बार सबका के लिए जोरदार अभिनंदन पतंजलि की पूरी टीम का, जिन लोगों ने ये सब पुरुषार्थ करके ये ओमेगा भी बना रखा है, और एक डेली एक्टिव न्यूट्रिला, डेली एक्टिव माने आपको मल्टीविटामिन के नाम पर क्या खा रहे थे, मल्टीविटामिन के नाम पर रिवाइटल और फिर एलोपैथी के और तमाम तरह के सब जहरीले, तो आपको मल्टीविटामिन खाना है तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव खाओ, बी कॉम्प्लेक्स खाना है तो डेली एनर्जी खाओ, या आपको ओमेगा खाना है तो न्यूट्रिला ओमेगा खाओ, इसका भी बाप खाना है ओमेगा का सुपर ओमेगा तो इसी वक्त होने से मिलता है ये खाओ, फ्लैक्सीड, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने दे रखी हैं फिर भी जहर खाए जा रहे हैं। प्रोटीन पाउडर 80% एक्टिव है, उसका नाम है न्यूट्रिला वेव प्रोटीन, और ये 80% और 90% एक्टिव खाना है तो आइसो वेदा, ये पहले विदेशों से ला ला करके खाते रहते थे। तो ये सब बच्चों के लिए किड सुपर फूड, आदमियों के लिए मैन सुपर फूड, लेडीज के लिए वुमेन सुपर फूड, और ये किड सुपर फूड, ये अच्छी अच्छी चीजें हमने बना करके दी, और खा रहे क्या है लोग, इधर उधर के जहर खा रहे हैं।